मान लीजिए कि आपको कुछ पीना वगैरह है तो ये लोग बोलेंगे, जानते हैं कैसे है, लो खाओ खाओ ताकि ये लोग पीने को खा बोलते हैं। बोले अच्छा ये बात है। यहाँ से गजब का व्यू दिख रहा है, तो कुछ इस प्रकार का होगा। देखो भाई यहाँ पे देखो फॉरनर झूला झूला। तो अभी हम लोग चल रहे हैं भाई टिकट लेकर के बस को ढूंढने के लिए। तुमको पता है बस कहाँ लगी है? उसका सीट नंबर चेक करो कहाँ है बताओ। 11-12। चलो भाई हम लोगों को तो बस वगैरह मिल गया। बहुत गर्मी हो रहा है भाई। लगभग 2 से 2.5 घंटे के सफर है हम लोगों का सिलीगुड़ी का, और लगभग 20 मिनट से हम लोग अभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं। अभी अभी जस्ट सिलीगुड़ी से हम लोग पास हुए हैं। जाम कितना है यार इधर, कितना होना। और जो जंगल हम लोगों के पास था ना, वो जंगल यहीं पे करीब से हम लोगों को दिखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा जंगल है। कितना देर लगता है पास करने में? पास करने में लगेगा 15 मिनट या 20 मिनट। इतना बड़ा जंगल है। तो पूरा आर्मी का गाड़ी है, पंजाब रेजिमेंट। देखो सारा चीज यहाँ पे आर्मी की गाड़ी है, ये पूरा मिलिट्री हाउस है। अब यहाँ से पूरा आप लोगों का जंगल स्टार्ट हो गया। ये देखो पूरा तरीके से जंगल है, जो कि आप लोगों को मैंने उधर दिखाया था ना, वही पूरा जंगल है। सालू घरा का जंगल, इसे हाथी घोड़ा निकलता है, बड़ा बड़ा हाथी। हाँ ये तो हाथी, तो वो तो अंदर वो लोग अपना केंट वगैरह रखे ना, केंट आर्मी केंट है इधर पूरा। इधर अंदर पूरा बड़ा बड़ा जंगल है, सब उधर रहता है हाथी। अच्छा तो उस साइड में जो कल हाथी रोड पे आ जाता है, कल हम लोग रात को निकला था ना। अरे बाप रे। यहाँ पे किसी को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं होता है, बस ये लोग अपना आर्मी का होते हैं, जितने भी बंदे वही लोग अंदर जा सकते हैं, किसी को अंदर घूमने भी नहीं देते हैं ये लोग। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। ये जितने छोटे छोटे आप लोग घर देख रहे हैं ना, इसमें सारे आर्मी लोग रहते हैं। बहुत बड़ा जंगल है, पूरा जंगल को कैंटी बना दिया ये लोगों ने। अब सारा उधर कैंट वगैरह खत्म हो गया, अब यहाँ से पूरा तरीके से जंगल स्टार्ट हो गया। देखो भाई पूरा तरीके से जंगल है, इसको पार करने में लगभग 20 से 25 मिनट हम लोगों को लगेंगे। दोनों बगल जंगल है। कालिंपोंग जाने के लिए तो बस वगैरह तो मैंने कि यही मिलता है, दूसरा या तो सुमो जाएगा या तो ये जाता है। हाँ तो वो छोटी वाली ट्रेन जाती है, टॉय ट्रेन जिसको बोलते हैं हम लोग, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा टाइम भी आपका लग जाएगा, टाइम लगभग 6-7 घंटे के करीब करीब। इधर सिलीगुड़ी में ले जाता है, सिलीगुड़ी ये क्या बोलते हैं कालिंपोंग तो नहीं जाता है, सीधा राजनी उधर ट्रेन का रास्ता नहीं है, बन रहा है। तो उधर क्या दिखाता होगा वो लोग, क्या दिखा करके लेके जाते हैं, झरना वगैरह झरना का अगले दिन चलाएगा, मतलब अच्छा ऐसा दिखेगा लोकेशन। आगे जाइएगा तो एक रेलवे फाटक होगा ना, वो पार करेगा ना तो आगे पार बोलना मत, रेलवे फाटक पार। चलो वो भी आप लोगों को पूरा कराते हैं, लेकिन आगे बैठी का तब डर लगेगा एकदम से, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये खत्म होगा तो फिर एक मार्केट जैसा चालू होगा, दूसरा मार्केट। हाँ। बीच में मार्केट भी आगे है तो सालूगुरा मार्केट, सालूगुरा सिलीगुड़ी से सालूगुरा वही पे चाय जो है बहुत टेस्ट मिलता है, जिसमें कप मिलेगा मजा आ जाएगा सालूगुरा में। हाँ अच्छा, कालीपुर में तो चाय का खेती नहीं होता है, दार्जिलिंग में होता है और आसाम साइड में भी उधर होता है चाय का, वो जो आप लोग देखे थे तो भी तो होता ही है ना, सब सिलीगुड़ी एरिया का हो। एक नंबर माल आप लोगों को यहाँ पे खाने या पीने को नहीं मिलेगा, ये लोग यहाँ पे ना पीने को खा बोलता है, लो बाबू खा, चाय को खा है ना, पानी को खा, खाली पानी खाओ पानी खाओ। हम तो उन लोग बोलते भाषा वगैरह समझ में नहीं आता तो सीधा बोलते थे, हम ही तो भाषा ना समझते। बस हिंदी है, ये हिंदी है। हाँ हिंदी बोल रही है तो हम ही तो भाषा बोलो, हिंदी बोली नहीं समझ आता।
कि क्या बोल रहे हैं वो लोग बोलता है ना तो हम सुनते रहते हैं कि क्या बोल रहा है वो, तो गाली भी देने का तो समझ में नहीं आता है गाली दिया है। एक तरह से हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जंगल सफारी वगैरह कर रहे हैं, एकदम से नेक्स्ट लेवल का व्यू वगैरह दिख रहा है, पॉइंट एकदम मस्त है यहाँ पे, तो मजा आ रहा है। लेकिन जहाँ पहाड़ पे चढ़ेगा ना यार मन खराब हो जाएगा एकदम, मतलब उल्टी जैसा हो जाता है तो वहाँ पे और मजा आएगा। तो तुमको कैसे उल्टी हो जाता है वहाँ पे? अरे माथा घूम जाता है। क्या घूम जाता है? देखना ना तुम ऐसे 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 देखना तो वहाँ ना मजा आएगा। तुम वहाँ पे तुम डरता है खाई वगैरह नहीं ना वहाँ पे? खाई तो रहेगा, एक साइड रोड रहेगा, एक साइड खाई रहेगा। हाँ इधर से खाई दिखेगा, दिखेगा तो देखना जाके। हमको तो बड़ी एक्साइटेड है यार। देखिए एक छोटा सा मार्केट मिलता है जंगल को पार करिएगा तो, है ना, और यहाँ से आप लोगों को पूरा तरीका से देख सकते हैं। अब पहाड़ दिखने लगा है और ऐसा लग रहा है कि मैंने के बहुत पास है, लगभग 2 से 3 मिनट का रास्ता और होगा। देखो भाई का जब यहाँ पे देखने में छोटा लग रहा है लेकिन छोटा है नहीं। ये देखो भाई कितना जबरदस्त पहाड़ दिख रहा है, वाह। सब मजा तो अब आएगा ना क्योंकि अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हुआ है, खेल में मजा अब आएगा। यहाँ से 3 घंटे का सफर है हम लोगों का। सुनिए क्या जी, सुना पड़ेगा नहीं तो माथा घूम जाएगा। अरे माथा क्या घूमेगा, देख रहे हो बाड़ी देखते चले जाए। ये कोई झूला से कम नहीं है, ड्राइवर भी बड़ी खतरनाक होता है, गाड़ी को ऐसा घुमा देता है हाथ से। वहाँ ये लोग तो एक्सपीरियंस है ना भाई, इन लोगों को मतलब नहीं होता है। वाह कितना खाई है यार। तो देखो उधर रास्ता है, ये रास्ता उस तरह से गोल गोल घूमते जाता होगा ना। हाँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए ऐसे 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 बनाया गया है भाई। इतना बड़ा पहाड़ पर खजूर तोड़ने कौन चढ़ता होगा यार। लेकिन नेक्स्ट लेवल का व्यू आप लोग देखें यहाँ पे, यही मंदिर है, यही मंदिर छोटा सा है वहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे भीड़ है। अंदर गुफा में, अच्छा सीधे चले जाएगा गुफा में, पूजा होता है बहुत अंदर गुफा में, जल्दी बंद हो जाता है। यहाँ भी ऊपर भी, ऊपर भी कुछ मंदिर वगैरह यहाँ पे है ना, गजब का। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ दिख रहा होगा भाई, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है, यहाँ पे नदी है ना नीचे, ये पूरा नदी है, इतना खाई है ना सब नदी, और एकदम यहाँ से नेक्स्ट लेवल का व्यू दिख रहा होगा पहाड़ का गजब। ये तो अभी कुछ नहीं है, ऊपर से चल करके दिखाएंगे लोग, अभी तो हम लोग चढ़ रहे हैं ना ऊपर, जाम थोड़ी है, जाम रहता है तो 3 घंटा लाइन में लगा रहता है गाड़ी। हाँ जाम ही बोला जाता है यार, ना जाम नहीं है यहाँ पे, हमेशा ऐसा ही रहता है। यहाँ पे देखो भाई ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल वाला फीलिंग है, गजब खाई तो है। ऊपर देखो मुना, यहाँ तक इतना ऊपर और ऊपर चढ़ना है, लेकिन दूर जाना है अभी यहाँ से। कैमरा में थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन भाई एकदम, जब आप पास से देखिएगा तो अलग ही फीलिंग होगा। फीलिंग यहाँ से जाना है हम लोगों को, लग रहा है ना भाई ऐसा, यहाँ से हम लोगों का राइट कटना है। यहाँ पहाड़ इतना बड़ा है कि मोबाइल छोटा पड़ जा रहा है। वो तो है भाई, 20 ताला होगा कि नहीं है नमूना देखो, ये बन रहा है, ये सब रास्ता धंसा था, यही धंस गया था ना, यही टूट गया था, बना रहा था कल इसी के टूटा है। देखो भाई साहब ये देखो पहाड़, देखो ये वादी बोलते हैं इसको, वादी पहाड़ों की वादी। यहाँ का व्यू काफी तगड़ा था है, यहाँ का भाई ड्रोन रहता ना, ड्रोन का एकदम व्यू दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन अफसोस ड्रोन वगैरह नहीं है भाई साहब, बहुत नेक्स्ट लेवल का व्यू है। देखो ये नदी है ना, तीसरा नदी बोलते हैं इसको। हाँ हम लोग की तरफ क्या होता है, पानी बरसता है ना तो खींच काट हो जाता है, वहाँ पे कितना भी पानी पड़ेगा ना फिर मतलब मौसम खुल जाएगा तो साफ सुथरा हो जाएगा। यहाँ पे तो केवल भूस्खलन होने का डर रहता है। हाँ वो तो है, ज़्यादा बारिश होता है तो ऐसा होता है। ये मैंने कि पहाड़ है कि पहाड़ के साथ मिट्टी भी मिला हुआ है, मतलब ये तो है कि कच्चा पहाड़ बोलेंगे, पक्का पहाड़ नहीं बोलेंगे, पत्थर वाला पहाड़ नहीं है, मिट्टी वाला पहाड़ है, तभी ना सब पेड़ पौधा दिख रहा है वही ना। मान लो कि पानी पड़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी थोड़ा गलेगा थोड़ा दबेगा, अब थोड़ा सा व्यू मैंने बढ़िया दिख रहा है, मतलब उधर था तो थोड़ा सा पेड़ पौधा आ जा रहा था खाली खाली सा, लेकिन गिरने के बाद से यहाँ पे क्या होगा किसी को था पता नहीं है। और बगल में जो आप लोग साथ साथ में जो देख रहे हैं ना, इसको टीस्टा नदी हम लोग बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा गोल गोल से ऐसे ही होता है, जो लोग शराब पी कर गाड़ी चलाते हैं ना वो मान लो कभी कभी गिर भी जाते हैं, नदी में गिर जाते हैं, बस उनका
सौ भी नहीं मिलता है वहाँ पे। मैंने देखा ना कि गाड़ी को डेंजर है, अगर गाड़ी चलाओ तो मतलब शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे तराई बिल्कुल नहीं, बुला कर ये भी नहीं, ना तो सीधे वही इधर सेफ्टी भी नहीं है, गिर जाएगा डायरेक्ट खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय हो जाएगा, टाटा बाय हो जाएगा। 10-15 दिन का अब हमारा डिस्टिनेशन है, अब देखते हैं क्या होता है। तो व्यू मस्त है, अगर आग वग लगता होगा तो फायर ब्रिगेड आता है, आता है बहुत तेजी से आता है, सब गाड़ी को रोक दिया जाता है। अच्छा, बहुत तेजी से आता है, फिर भी कितने मिनट में पहुंच जाता होगा? 5 मिनट में अंदर पहुंच जाएगा। नीचे से पानी लेकर के आता होगा? नीचे से नहीं आता यार, आसपास का जो कैंप रहता है इसका एरिया रहता है, इधर इसके बीच में कहीं आग लगेगा तो इनके बीच जीना है। अच्छा, ऐसा रहता है। नीचे से आएगा तो बहुत टाइम लगेगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है। कितना पॉपुलेशन होगा वहाँ पे? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यार, एक शहर बसा हुआ है, शहर का पॉपुलेशन आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं एक शहर में कितना सारा होता है। शहर बसा हुआ है, कालिम्पोंग एक शहर है यार, शहर क्या उसका जिला है, वो कालिम्पोंग जिला पहाड़ों पर बसा हुआ है, उसी के बगल में आपको दार्जिलिंग है ना। कालिम्पोंग का जो शहर था वो मतलब कालिम्पोंग का जो जिला था वो दार्जिलिंग था, लेकिन कालिम्पोंग अब खुद जिला हो गया है। अच्छा, वो दार्जिलिंग में ही पहले था? पहले मतलब उसका कालिम्पोंग एक शहर था, उसका जिला दार्जिलिंग था, अब वो खुद जिला हो गया है। अच्छा, देखिए किस प्रकार से गोल गोल घुमा करके बस वाले ने लेकर जा रहे हैं, रास्ता है वैसे ही, तो वैसे ही आना पड़ेगा, वैसे आ चलो वैसे। यहाँ से ऐसे टर्न और गजब कमाने के चढ़ाई आ रहा है भाई। ये देखो, हम लोगों ने पहले ऐसे नॉर्मल चढ़े थे है ना, उसके बाद से फिर थोड़ा थोड़ा चढ़े थे हम लोग, लेकिन उतना भी नॉर्मल नहीं था, ऐसे कानों पर ना थोड़ा थोड़ा प्रेशर पड़ने लगा है, पता ना क्यों है ना, तुम्हारे को पड़ रहा है? प्रेशर तो नहीं पड़ता, हमको हल्का हल्का फील हो रहा है। आप लोगों को आज मैंने बस ही में घुमा दिया। यहाँ से घूमना है मृत, देखो बाबू, देखो देख रहे ना भाई, देखिए यहाँ पे बस उस कैसे चढ़ाया जाता है भाई। ओहो भाई साहब, डर लगता। तो फाइनली गाइस हम लोग चढ़ चुके हैं पूरा ऊपर कालिम्पोंग पर, और ये है कालिम्पोंग का छोटा सा मार्केट, छोटा सा नहीं, अब इसको पूरा मार्केट शुरुआत, हाँ यानी यहीं से सारा चीज़ मार्केट स्टार्ट होता है, कॉलेज वगैरह सारा चीज़ यहीं है, प्लस छोटा छोटा घर भी ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन एक एक ऐसा जगह पे आप लोगों को लेके चलेंगे जहाँ पे आप लोगों को मैंने कि पूरा व्यू देखने को मिलेगा, मॉल वगैरह ट्रेंड्स है ना, यही है मार्केट यहाँ का। ये 8 माइल है, 8 माइल तुम्हारा घर पड़ता है 10 माइल में, ये 8 माइल, 9 माइल आएगा, 9 माइल उसके बाद 10 माइल। तो भाई हम लोगों का डिस्टिनेशन आ गया, अब हम लोग उतर चुके हैं, और यहाँ पे एक हम लोगों का जो पॉलिथीन था ना वो गाड़ी के ऊपर था, तो उसको उतरवा रहे हैं लोग। तो ये देखो भाई कुछ इस प्रकार से जाम वगैरह लग गया है भाई, भाई ठंडा मौसम है यहाँ पे, एकदम ठंडा लग रहा है। लेकिन अब यहाँ से हम लोगों को ऐसे चढ़ना है, देखो ऐसा रास्ता होता है हम ना। वेलकम टू कालिम्पोंग, हो सकता है शायद नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग ये देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ का गलियारा बहुत ज़बरदस्त है ना मुना, ऐसा लग रहा है कि छत पे चढ़ रहे हैं। वो खाई शायद वहाँ पे हम लोग थे। ओ भाई साहब, और मार्केट वगैरह भी है इधर से ना गए जी, हम लोग इधर से ना गए, अच्छा वहाँ से गए। तो यही है मुन्ना का दुकान। अरे दादा रे, चलो अरे बाप रे, नमस्ते आंटी। तो यहाँ पर आंटी की दुकान चला रही थी, और नहीं रहता है तो यही संभालना पड़ता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहीं पे सारा सामान वगैरह बेचा जाता है। क्या गिर गया यार, छाता होता सब चीज़ें। उसी के ठीक बगल में जाने के बाद से यहाँ पे मुन्ना का भाई है, दुकान यहीं लगाता है। क्या हाल है? देखो भाई ये सारे चीज़ बेच रहे हैं यहाँ पे, दुकान में इसी का है ना। बढ़िया है,
कितना वेज लिया आज का, कितना वेज लिया आज का? 10,000? 1,000? 20,000? ये अंदर की बात है, ये सब अंदर की बात है ना, बढ़िया है। तो बीच में क्या वजह मुना? अच्छा, नमस्ते अंकल, मुना के साथ आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए। परीक्षा खत्म होकर कभी चलो घूम लेते हैं। उधर तो नीचे ठंडा लग रहा था, बहुत ज्यादा हवा बह रहा था नीचे, ये सड़क के नीचे। आज तो गर्म, अब उस साइड तो ठंडा है ना, खुला एरिया है, अब वो घर उस तरफ पे है। अगला दफे ले, एक तो दे दो। कितना एक होगा? एक छोटा, एक छोटा सा दुकान है अंकल के यहाँ पे। यहाँ का लोकल मार्केट होते हुए हम लोग अभी घर के लिए जा रहे हैं। मुना, यहाँ से घर कितना दूर है? 5 से 10 मिनट लगेगा पैदल। और तो चलो भाई, अभी जा रहे हैं घर की तरफ, और ये कुछ इस प्रकार का मार्केट है। शाम को आप लोगों को घुमाएंगे दूसरे ब्लॉग में, घर पे जा करके इस ब्लॉग को एंड करेंगे। काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग तो बोर हो गए होंगे देख देख करके, क्या बस में दिखा रहा है यार, है ना। लेकिन एक बात है कि छोटा छोटा सामान करते करते बहुत ज़्यादा सामान हो गया यहाँ पे, है ना। आराम से चलो, कब उतार कब चढ़ाओ, गजब हो रहा है यार, सीधा घर ही में। आराम से देख के चलना, हाँ, पैर फिसल ना जाए। अरे भाई साहब, यहाँ का ये गली गली का रास्ता है। किधर चलना है जी? ओ भाई साहब, यहाँ चलना है। जी हाँ दोस्तों, अभी आ चुके हैं घर पे, और ये है मुन्ना का घर, है ना, जहाँ पे मुन्ना रहता है, और इसकी मम्मी और भाई दोनों आप लोग देखा कि वहीं पे हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार का रूम वगैरह है यहाँ पे, ये जितना भी सामान देख रहे हैं सारा चीज़ दुकान का ही सामान है। तो बहुत थकावट हो गया है, तो आप लोगों से अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई वीडियो जरूर देखते रहिएगा, आप लोगों को पूरा कालिम्पोंग का एकदम टूर कराने वाले हैं लगभग 6-7 वीडियो में, है ना। तो वीडियो में बस इतना ही, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।